everyone welcome to the class of business studies unit 7 and in last session we started the topic of business finance you the concept of business finance and i told you even the division ki how business finance is divided on the basis of its sources so first source was owners fund and the next is borrowers fund so today we will cover the very first topic of owners fund

we will study to uh, in today's session okay so pay your all attention first of all equity shares are the important part of important part of long term capital okay and that's the owners funds owners फंड्स मींस ओनर के जितने भी फंड्स होते हैं जो भी उसने अपनी तरफ से पैसा इकट्ठा किया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन रखता है इक्विटी शेयर्स राइट इक्विटी शेयर्स कहाँ से इकट्ठे होते हैं एंड दे आर द सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल ओके लॉन्ग टर्म कैपिटल आई टोल्ड यू दैट कैपिटल विच इज यूज टू बाय लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक लैंड बिल्डिंग और वो आप पैसा कहाँ से इकट्ठा कर पाते हो इक्विटी शेयर्स से ही इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं बच्चे जब एक ऑनर अपने बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कुछ शेयर्स पब्लिक को इशू करता है और वो इशू शेयर्स जो होते हैं वो पब्लिक के ऊपर बेस्ड है इफ़ दे बाय दो शेयर्स तो वो पूरा मनी जो अमाउंट कलेक्ट होता है उसको बोला जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल राइट right. मीन ऐसी, ऐसी थ्रू आई है और इक्विटी शेयर्स का जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक को ही इशू करे उसमें वो कुछ शेयर्स अपने लिए भी रख सकता है और पब्लिक में इट्स नॉट जनरल पब्लिक मतलब जनरल पब्लिक तो है ही नॉट ओनली अबाउट दैट देयर फैमिली मेंबर्स तो ज्यादातर प्रोपोर्शन ओनर्स फंड का जो होता है वो इक्विटी शेयर से ही आता है और ये इक्विटी शेयर Contribute किस चीज़ में करते हैं इन परचे लॉन्ग टर्म एसे होल्डर अमाउंट जो भी होती है इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म एसेट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल आई टोल इवन इन लास्ट सेशन ऐसे एसेट्स जिनकी लाइफ टाइम ज्यादा होता है जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए परचेज किए जाते हैं आप उनको वन ईयर टू ईयर के विद इन चेंज नहीं करते हो आप उनको बहुत ही टाइम मतलब लॉन्ग टाइम के लिए खरीदते हो और वो लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस को बेनिफिट देते हैं सो नाउ अ कंपनी इफ स्टार्टिंग इट्स बिजनेस देन दे मस्ट हैव इक्विटी शेयर्स। उनके पास इक्विटी शेयर्स होने जरूरी हैं राइट देन ऑनर्स और परचेजर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स मीन्स ऐसे इक्विटी शेयर्स जो परचेज किए गए हैं और वो परचेजर्स या जिसके वो ओन ऑनर है वो ओनर्स को क्या बोला जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स राइट सो so, अगर आपसे कोई पूछे कि आर यू अ शेयर होल्डर ऑफ एनी कंपनी तो आप बोल सकते हो अगर आपने खरीदे हैं किसी के शेयर्स तो आप बोलोगे यस आई एम अ शेयर होल्डर फिर आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ शेयर होल्डर यू आर मींस आपने किस टाइप के शेयर्स खरीदे हैं तो अगर आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं तो आप बोलोगे आई एम अ इक्विटी शेयर होल्डर ओके, okay. so, सो बच्चे जिन्होंने खरीदा है तो इससे क्या होता है शेयर्स को इशू करता है लोग उन शेयर्स को परचेज करते हैं परचेज करते हैं पैसे से और वो पैसा किसके पास आता है उस ओनर के पास आता है बिजनेस के पास आता है जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला है थ्रू इशूइंग ऑफ शेयर उसने अपना पैसा इकट्ठा कर लिया राइट नेक्स्ट थिंग यूड गेट टू नो अबाउट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दट इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव वट रिमेन्सर ऑल अदर क्लेम्स है ऑल अदर क्लेम्स हैव बीन फुलफिल्ड मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स ने जब पैसा लगाया है तो अब आप ये पूछोगे की मैम उनको फायदा क्या होता है क्या फ़ायदा उन्होंने किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदा है तो बच्चे उनका फ़ायदा ये है कि लास्ट में जितने भी अगर एक कंपनी सपोज कीजिए अपना बिजनेस क्लोज डाउन कर रही है या कुछ टाइम बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है कुछ सालों में तो उसने अगर बाहर कोई डेट लिया है क्रेडिटर्स हैं कहीं से लोन उठाया है उसको रिपे करने के बाद सब कुछ मीन्स रिमेन आफ्टर ऑल अदर क्लेम्स जितने भी क्लेम्स थे उन सबको पूरा पैसा देने के बाद अगर उनके पास कोई भी प्रॉफिट बच जाता है दैट इज रिमेन्ड आफ्टर पेइंग ऑल दोज चार्जेस तो वो प्रॉफिट किसके पास जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स रिसीव्स दे रिसीव्स दैट अमाउंट या दैट प्रॉफिट विच इज रिमेन्ड आफ्टर पेइंग ऑल अदर क्लेम्स मीन्स दे आर द लास्ट पार्टी टू गेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट अब उनका देखिए ये हो सकता है that depends on their luck. If उस टाइम पर कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है सपोज कीजिए में प्रॉफिट है तो जितना पे करना था उनका तो फिक्स अमाउंट होते हैं बाहर से आपने सपोज कीजिए लोन फाइव लाख का उठाया है तो फाइव लाख पे कर दिए इंक्लूडिंग चार दैट इंटरेस्ट कहीं से आपने बोरोड फंड्स जितने भी उनको पे करने के बाद सपोज कीजिए आपके पास प्रॉफिट अभी भी ट्वेंटी लाख बच गया तो वो ट्वेंटी लैक्स किसके हुए इक्विटी शेयर होल्डर्स के मीन्सार्ज शेयर फॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज देयर फोर फॉर वट मीन्स जो शेयर होल्डर्स जो सबसे लास्ट में अपना मनी कलेक्ट करते हैं अपना शेयर लेते हैं उनको क्या बोला जाता है इवन रेजिडुअल ऑनर्स सो अदर नेम ऑफ दीज इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दिया गया है बच्चे रेजिडुअल ऑनर्स रेजिडुअल मीन्स दे रिसीव्स वट रिमेन्स आफ्टर एवरी चार्ज इज पेड तो रेस्ट अमाउंट उनको मिलती है लास्ट लास्ट में जो भी रिमेनिंग अमाउंट है रेजिडुअल उसी को बोलते हैं ना जो बच गया लास्ट में दैट्स वाई दे आर नॉन एज रेजिडअल ऑनर्स राइट मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट मोर द इक्विटी कैपिटल मीन्स आपकी कंपनी की जितनी ज़्यादा इक्विटी कैपिटल होगी मीन्स आपने जितने ज़्यादा शेयर्स लोगों को इशू किए हैं उतना ही क्या होगा मोर इज द क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी मीन्स बाहर के लोग क्रेडिटर्स जैसे आप सपोज कीजिए कल किसी से पैसा मांगने गए बैंक से मांगने गए अदर क्रेडिटर्स से तो आपकी क्रेडिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी बाहर के जो क्रेडिट देने वाली पार्टी है बैंक्स हैं या क्रेडिटर्स हैं वो आप पर उतना ही ज़्यादा विश्वास करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि अगर इतने लोगों ने विश्वास करके इस कंपनी के इतने शेयर्स मतलब इक्विटी कैपिटल को खरीदा है और सॉरी इक्विटी शेयर्स को ख़रीदा है तो इसका मतलब इस बिज़नेस की अच्छी रेपुटेशन है ये बिजनेस जो है लोगों के अंदर अपना अच्छा आ, जो है व्यू पॉइंट रखता है देयरफॉर जितना ज्यादा इसकी इक्विटी कैपिटल होगी क्रेडिबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी बाहर के क्रेडिटर्स उतना ही विश्वास फेथ उन पर रखेंगे इट मींस इट विल बी द बेसिस फॉर इंक्रीजिंग क्रेडिटर्स कॉन्फिडेंस ओके सो इक्विटी कैपिटल आपकी किस चीज में हेल्प करती है इवन इंक्रीजिंग योर क्रेडिबिलिटी ओके okay, मतलब आपको बैंक से लोन लेना इजी रहता है अगर आपने इक्विटी कैपिटल को ज्यादा अमाउंट पर इशू किया है तो नेक्स्ट इज दे आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज कंपनी के किस बेसिस पर इनको पे किया जाता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो देखिए इनको कुछ मिलेगा अब ये भी सिचुएशन हो सकती है आप कह सकते हो कि मैम अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो देखो प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी जो क्रेडिटर्स है ना क्रेडिटर्स है उनको तो पे करेगी ही करेगी कहीं से भी लाके दे बट इनको क्या है ये तो प्रॉफिट के ऊपर अपना पैसा लगाते हैं प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा नहीं हुआ तो बच्चे इनको कुछ भी नहीं मिलेगा तो रिस्क भी होता है देखिए सो दे आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज प्रॉफिट देन देना फिक्स डिविडेंड मतलब इनका कोई फिक्सड अमाउंट नहीं है कि इनको कुछ फिक्स्ड डिविडेंड या फिक्स्ड चार्ज देना ही पड़ेगा फिक्सड क्लेम है जितना प्रॉफिट होगा उसी पर इनको जो कुछ है वो मिलेगा कम भी हो सकता है और अदर पार्टीज के कंपेयर में ज्यादा भी हो सकता है सो अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के बताए हैं ये सारा एक तरीके से कंसेप्ट कि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं एंड इक्विटी शेयर्स के क्या फीचर्स हैं तो अब आपसे कोई भी फीचर्स पूछेगा तो आप इजिली बता सकते हो कि इक्विटी शेयर शेयर्स के क्या फीचर्स हैं फर्स्ट प्राइमरी रिस्क बियर राइट मीन्स ये ऐसी पार्टी होती है जो हमेशा रिस्क लेकर चलती है और इनको फर्स्ट पार्टी इसलिए बोला जाता है क्योंकि पैसा इकट्ठा होना भी इन्हीं के थ्रू स्टार्ट होता है सबसे पहले शेयर्स इक्विटी कैपिटल से ही इकट्ठे होते हैं इक्विटी शेयर से इकट्ठे होते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं जो इनको खरीदते हैं उनको पता है कि हम अपने साथ रिस्क लेंगे सो दे आर पेड इन द लास्ट लास्ट में इनको पे किया जाता है रेजिडुअल अमाउंट मिलती है इसलिए रिस्क बियर इनको बोला गया है नेक्स्ट थिंग इज इज यू कैन सी दैट नेक्स्ट फ्यूचर क्लेम ऑफ रेजिडुअल इनकम हाँ इनका क्लेम किस चीज पर बनता है ये किस अमाउंट को की मांग रख सकते हैं किस अमाउंट पर अपना हक जता सकते हैं दैट इज रेजिडल इनकम जो लास्ट में बच गया जो भी पैसा उस पर इनका हक है दे हैव द राइट एंड दे कैन क्लेम दैट नेक्स्ट इज फीचर यू कैन सी इज हाइयर प्रॉफिट ओके इसका एक फीचर ये भी है कि जितनी भी पार्टीज हैं जो भी कंपनी अपना जहाँ से भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करती है तो उन सब में हाइयर प्रॉफिट्स अगर देखें अगर प्रॉफिट कंपनी को सपोज कीजिए बहुत ज़्यादा हुआ है तो हाइयर प्रॉफिट भी इन्हीं को मिलता है वाई बिकॉज एज दे हैव नो फिक्स्ड डिविडेंड्स कोई भी इनके फिक्स्ड रेट तो है नहीं कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम ट्वेल्व परसेंट देंगे या इक्विटी शेयर होल्डर्स को सिक्स परसेंट देंगे नथिंग वट एवर रिमेन रेस्ट इज ऑल देयर्स ओके नेक्स्ट फीचर इज़ यू कैन सी कंट्रोल ओवर कंपनी दे हैव फुल कंट्रोल ओवर कंपनी इनडायरेक्ट कंट्रोल होता आप कि मैं तो board of करते है नो बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी कौन इलेक्ट करता है कौन चूज करता है इक्विटी शेयर होल्डर्स वाई बिकॉज कंपनीज के अंदर क्या बताया गया है दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होते हैं और वो वोट करके किसको चुनते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनते हैं सो दैट्स वाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुना जाता है किसके थ्रू इक्विटी शेयर होल्डर्स के थ्रू और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को कंट्रोल करते हैं तो इनडायरेक्टली कंट्रोल किसके हाथ में हुआ बच्चे इक्विटी शेयर होल्डर्स के नेक्स्ट इज एज यू कैन सी द नेक्स्ट राइट या नेक्स्ट फीचर इज दे हैव प्रीएम्प्टिव राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास पास प्रीएम्प्टिव राइट्स होते हैं प्रीएम्प्टिव राइट्स का मीनिंग मींस व्हेनेवर अ कंपनी प्लान्स टू ध्यान से सुनना है क्या होता है ये इशू ओके okay? कभी भी कंपनी कोई मतलब सपोज कीजिए कंपनी ने शेयर्स इशू करके कैपिटल इकट्ठी कर ली अब कंपनी फिर से सोच रही है कि हम शेयर इक्विटी शेयर्स को इशू करते हैं और कुछ और शेयर होल्डर्स को ले आते हैं सो so, जब कंपनी ये इशू करना स्टार्ट करेगी तो डायरेक्टली पब्लिक में जाकर इशू नहीं करती पहले जितने उसके पास खुद के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं मतलब जिन्होंने स्टार्टिंग में इशू करते हुए शेयर होल्डर्स को खरीदा था परचेज किया था पहले कंपनी उन्हीं से पूछेगी क्या आप और शेयर्स को खरीदना चाहेंगे हमारी कंपनी के सो वेन एवर प्लान्स टू इशू इट्स न्यू इक्विटी शेयर वट दे डू फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट ऑफर दोज शेयर्स उनको ये शेयर सबसे पहले किसको ऑफर करने चाहिए टू दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जिनके पास ऑलरेडी उस कंपनी के शेयर हैं पहले उनसे पूछना चाहिए कि क्या आप ये हमारे शेयर्स और एक्स्ट्रा खरीदेंगे एंड इफ़ दे रिफ्यूज़ देखिए अगर उन्होंने खरीदने होंगे तो वो परचेज करेंगे ठीक है जब वो रिफ्यूज़ कर देंगे तब क्या होगा देन ओनली कंपनी कैन ऑफर देम टू पब्लिक तभी वो जाके पब्लिक में उसको इशू कर सकती है डायरेक्टली कंपनी जाकर दोबारा से जो इश्यूज़ हैं सेकेंड टाइम उनको इशू नहीं करती सबसे पहले उनको उन कंपनी से परमिशन शेयर होल्डर से परमिशन लेनी है किस शेयर होल्डर से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से एंड इफ दे एग्री टू बाय दे रिफ्यूज ओनली देन कंपनी कैन गो टू ऑफर देम इन द पब्लिक राइट सो इस पूरे कंसेप्ट को क्या बोला जाता है बच्चे प्रियम्पटिव राइट सो आपसे अगर वन वर्ड क्वेश्चन भी आ जाए कि प्रियम्पटिव राइट right क्या होता है यू शुड नो कि ऐसा राइट right जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास होता है कब जब कंपनी दोबारा से शेयर्स को इश्यू करती है तो वो उन शेयर्स को परचेज कर सकते हैं सो विद दिस कंसेप्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स इज ओवर आई होप आपको इक्विटी शेयर्स के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल गई है और इक्विटी शेयर को जो ओन करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स उनके बारे में भी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस ऑल अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं टिल देन कीप कीप रीडिंग, रिवाइजिंग, हैव नाइस डे, थैंक यू।